कहाँ पर है साहब? पकड़ लेगा ना? देखना बढ़िया से, कटवा मत लेना। राजा वानकी पकड़ो, अंकित पकड़ो, देखना अंकित। अच्छा से तुम तो हैवी ड्राइवर है अंकित। अरे पकड़ लिया अंकित। अरे छोड़ दो रे, इधर से पकड़ रहे, इधर से काट उठ लेगा तो बस। अरे बाबीदा को कॉल लगाओ रे। बाबीदा को बोला था? बाबीदा को बोला जल्दी लगा, फोन लगा जल्दी कोई। तुमसे नहीं हो रहा यार, छोड़ दो। अरे छोड़ दो यार, ये जो फोन लगा रहे हैं छोड़ दो। लगा लगा, फोन लगा। फालतू वाला काम कर रहा है। बड़ी कट का डर लिया थी। तो आज मना कर दिया, तुम हाथ में दबा लिया। दोस्तों नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ये चेकर्ड किल बैग है। अभी हम कुछ काम के लिए बाहर गए हुए थे और ये लड़का जो है हमारा यहाँ रहता है, मेरा पास रहता है, और मोहल्ला में एक सांप निकल गया था और ये बत्तख पालन का लिए ये बत्तख रखा जाता है और यहाँ पर ये चक्रेट किल में घुस गया था। और अब देख रहे जैसे कि हमको लग रहा है इसका पूंछ भी टूट गई, ये पूंछ देख रहे टूटा हुआ पूंछ। ये बत्तख लोग इसको मारने का भी कोशिश किया, देखिए ये बत्तख लोग चोंच से इसको मारा और मारने के बाद जो है, और इससे ये पकड़ने के लिए लड़का आ चुका था क्योंकि इसको हुक कुछ लाए नहीं ना, इसको सांप पकड़ने आता है तो ये मेरा देखा देखिए कोशिश करने लगता है अक्सर सांप पकड़ने का। तो देखिए ये तो बिना जहरीला सांप था कि इसका जान बच गया। और ये चेकर्ड किलबैक
जहरीला तो नहीं होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है ये, जब काटता है उस जगह से मांस जो है नोच लेता है, और इसका जो टीथ होता है एक नहीं 200 लगभग दांत होता है मुंह में, और ये अक्सर पानी में रहता है, पानी में ही मछली मेंढक और ये सब चीज़ खाता है, और ये मेंढक यहाँ सॉरी बत्तख का पालन होता है, यहाँ बत्तख रखा जाता है, और यहाँ ये लड़का पकड़ना आ गया जैसे कि देख रहे थे, ये ना जूता पहना ना कपड़ा पहना है ना कुछ, आप पेंट में पहुँच गया, और सांप इसको नसीब बढ़िया है कि सामान पे नहीं काट लिया, नहीं तो सामान काटना पड़ जाता है। तो दोस्तों ये सांप का हम लोग अभी रेस्क्यू करेंगे, फिर लेके इसको कहीं जंगल में छोड़ देंगे, पानी में छोड़ देंगे ताकि जीवित रहेगा, लेकिन इसका पैर पूंछ पूरी तरह टूट चुका है और पूरी तरह ये सुस्त हो चुका है, ये लड़का शायद इसका मुंह थोड़ा जोर से दबा दिया। ये तो बहुत सुस्त है, कुछ खाया है लगता है ना, पेट में हो सकता है कोई मछली उछली होगा, या मछली में मेंढक होता है, मेंढक भी खा लिया होगा, इसको कहीं छोड़ दिया जाए आसपास में, जैसे कि झोला में भर ले इसको, झोला देखो तो झोला ला, यही आज का बात पकड़ने गया, आज का बात नहीं पकड़ेंगे, मारे पकड़ रहे एक झाप मार के, आज का बात बिना हमको बिना बोले कहीं पकड़ने, अबे पकड़ने के लिए ट्रेनिंग होता है समझा, कहीं कोई सांप पकड़ता आदमी तो उसको ट्रेनिंग होता, अगर ये गोहमन होता कोबरा होता तो क्या करता तू बता, अगर कोबरा होता कह रहे तो क्या करता, तो इसलिए ऐसा मत करना ठीक है, ठीक आज के बाद में पकड़ेंगे, हटो हटो हटो, दोस्तों जो भी नए सुरक्षा वाले आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि कोई भी कोई सांप के बारे में बिना जाने या उस सांप के बारे में बिना ट्रेंड आप पकड़ने ना जाए, क्योंकि ये सांप कभी भी खतरा हो सकता है, ये सांप जिस तरह जिस पोजिशन में काटा अगर उस जगह कोई जहरीला सांप होता तो सोच लीजिए क्या होता, भले इसका पेंट पकड़ लिया था लेकिन हम लोग हम कहीं गए हुए थे और मोहल्ला में सांप निकल गया, इसका दोस्त कोई है कॉल कर दिया, ये लड़का पहुंच गया और ये पानी में बहुत देर खेला सांप से, उसके बाद जो है इसको पकड़ने का कोशिश किया, पकड़ लिया इसको पेंट, तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध है कि बिना जाने बिना ट्रेनिंग का सांप कभी पकड़े नहीं। बिना ट्रेनिंग का सांप कभी पकड़े नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।